पुष्पांजलि मेंस वेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। जिला कोर्ट ने आज लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। अब उनसे जुड़े इस प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट भोपाल में होगी। गौरतलब है कि जिले के शराब कारोबारी और रेत कारोबारी राजेश पाठक के द्वारा की गई शिकायत पर भरवेली पुलिस ने उनके खिलाफ अवैध वसूली को लेकर डराने धमकाने का अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसे लेकर 12 जून को भोपाल से उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जिला कोर्ट में पेश किया। यहाँ उनकी ओर से दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। इसे लेकर एक बार फिर 16 जून को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार करते हुए प्रकरण को भोपाल फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे एक बार फिर उनकी रिहाई की उम्मीद खत्म हो गई है। तेली साहू समाज बालाघाट संगठन के द्वारा बुधवार को पूर्व विधायक किशोर समृते की गिरफ्तारी को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए तेली साहू समाज ने कहा है कि पूर्व विधायक समृते के विरुद्ध बांदा कंपनी के संचालक राजेश पाठक द्वारा 10 जून को भरवेली थाने में शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बिना किसी जाँच के धारा 390, 386 और 452 के तहत अपराध दर्ज कर लिया और आनंद थानंद में 12 जून को भोपाल में जाकर गिरफ्तारी भी की गई, जबकि यह एक पूर्व विधायक के खिलाफ दुर्भावनावश की गई शिकायत का मामला है, जिसकी सबसे पहले पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिना किसी जांच पड़ताल के सीधे गिरफ्तारी की गई और जेल भेज दिया गया। तेली साहू समाज के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि किशोर समृते लगातार जिले की जनता के हित में अपने विचार रखते थे, ऐसे में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अनुचित है। यदि तत्काल उनकी रिहाई नहीं होती है तो साहू समाज के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन हम लोगों ने बनाया है और कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को सौंपने जाने वाले हैं। वे हमारे लांजी के पूर्व विधायक भाई किशोर समृते जी को भरवेली पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तारी उनकी की है, उसके विरोध स्वरूप हम लोग एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। किशोर समृते जी के खिलाफ मामला 10 तारीख को पंजीबद्ध किया गया भरवेली थाने में। 12 तारीख को जाके आनंद फानंद में पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी भोपाल से की और 13 तारीख को बालाघाट लाके उनको न्यायालय में पेश किया। हमारा ऐसा मानना है कि किशोर समृते कोई आतंकवादी नहीं है, कोई भगोड़े अपराधी नहीं है, तो पुलिस को इतनी त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता क्या थी? वो बालाघाट आते थे तब हम उनकी गिरफ्तारी कर सकते थे, या कुछ समय पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी। अगर आपके पास रिपोर्ट लिखाई भी राजेश पाठक जी ने, तो उसकी पहले जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि वो साधारण आदमी नहीं है, पूर्व विधायक है और एक सम्मानजनक स्थिति उनकी समाज में और पूरे प्रदेश में। तो जिस तरह से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसमें ऐसा लगता है कि जानबूझकर किशोर समृते जी को फंसाने का प्रयास किया गया और इसलिए आनंद फानंद में कार्रवाई की गई है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं पूरे ज़िले में, आज हम देखने जाएं कि महीने में दो महीने कार्रवाई नहीं होती। ऐसे हमारे पत्रकार साथी हैं बारासुनी के, उनके खिलाफ भी मामला इधर शाम को रिपोर्ट लिखी गई और तुरंत मामला कायम कर दिया गया। तो पुलिस जो है जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, वो ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव, प्रशासन का दबाव, ये सारी चीज़ें उसके साथ काम कर रही हैं।
बालाघाट जिला मुख्यालय से लगे ग्राम भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जोधी टोला में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की लाठी डंडों से मारपीट कर निर्मम हत्या कर दी। वही इस घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसकी सूचना मिलने पर भरवेली पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विगत 14 तारीख को जोधी टोला निवासी राम सिंह पिता जेडू लाल परते उम्र 40 वर्ष अपनी पत्नी बसंती परते के साथ लकड़ी लेने जंगल गया था। इसी दौरान दोनों के बीच आपसी विवाद हुआ, जिस पर राम सिंह ने अपनी पत्नी बसंती को लाठी और डंडे से मारपीट कर दी थी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आने के कारण मौत हो गई। वह इस घटना के बाद से आरोपी राम सिंह फरार था, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। सर किस चीज से हत्या किया इसने? मार इसने जंगल में दोनों का विवाद आ रहा था, वही लकड़ी की लट से। कोरोना वायरस से बचाव तथा कोरोना को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आगे आकर प्रशासन को हर संभव सहयोग करते हुए लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसके चलते जिला थोक फल एवं सब्जी विक्रेता संघ की तरफ से जिला अध्यक्ष राकेश सेवईवार के नेतृत्व में बालाघाट नगर के इतवारीगंज स्थित मंडी कॉम्प्लेक्स में निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क टीकाकरण कैंप में 700 से अधिक लोगों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इस टीकाकरण कैंप में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने की भी सुविधा प्रदान की गई तथा वैक्सीन लगवाने वालों को सब्जियों की किट भी उपहार स्वरूप भेंट की गई। इस टीकाकरण कार्यक्रम के आयोजनकर्ता राकेश सेवईवार ने कहा है कि पूरा देश इस महामारी से मुक्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। फल सब्जी विक्रेता संघ जिला बालाघाट के तत्वावधान में और प्रशासन के साथ में मिलके यहाँ वैक्सीन और आयुष्मान कार्ड जो यहाँ पे निःशुल्क बनाया जा रहा है, वो दोनों चीज़ का हम लोग ने यहाँ आयोजन रखा है। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है और यहाँ पे 750 वैक्सीन का लक्ष्य रखा हुआ है और आयुष्मान जितने भी बन जाए आयुष्मान कार्ड, जो जनता को उसकी सीधी राहत मिलेगी। और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुष्मान कार्ड बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाए। तो इसमें कहाँ कहाँ के लोग आए यहाँ पे? हमारी सब्जी फल विक्रेता संघ के जितने भी लोग पहचान के हैं और जो हमारे मार्केट से जुड़े हुए हैं और आजू बाजू से जितने भी लोग हैं, वो लोग आके यहाँ पे वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ये कई लोग क्या है वैक्सीनेशन कराने से घबरा रहे हैं, कई लोगों के मन में शंका है, इसको लेकर आमजन को क्या आप संदेश देंगे? यहाँ से हमने ये देखा है कि कुछ समय पहले कुछ ऐसी पार्टियाँ जो बिना मतलब के वैक्सीन जो बेचारा लगाने को तैयार था उनको ऐसा कुछ बोल दिया गया है कि भ्रमित कर रही थी, तो उस कारण से अभी वैक्सीन वो नहीं लगा रही। पर धीरे धीरे अब ऐसा समझ में आ रहा है कि हर लोग वैक्सीन लगाने को तैयार है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ यही पता चल गई, अगर वैक्सीन है तो आप कल है, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया तो आपको कोरोना होने की संभावना है, पर अगर वैक्सीन लगा ली तो कम संभावना है कि आपको कोरोना होगा, अब आप उसमें आपकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए आप ज़रूर वैक्सीन लगाएं। और आने वाले समय में हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे में, दुकान में, हर जगह में आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शहर के अंजुमन शादी हाल बहियर रोड में आज शिविर लगाया गया, जहां वार्ड के तमाम 18 से अधिक आयु वर्ग के 500 लोगों ने टीका लगवाया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता भी शिविर में मौजूद रहे। इस्लामिया कमेटी के सदर शेख सुभान मंसूरी ने बताया कि कोरोना रिलीफ टीम के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। इसमें 19 से अधिक लोगों ने आज अपना पंजीयन कराया और कोरोना रोधी टीका लगाया है। उन्होंने यह भी बताया कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी की ओर से रमजान से पूर्व भी एक शिविर लगाया गया था, जिसे बेहतर रिस्पांस नहीं मिला था। इसके बाद हमारी टीम ने लोगों को जागरूक करते हुए बिना किसी डर और संकोच के टीका लगवाए जाने दूसरा शिविर लगाया, जिसमें अब तक 400 से अधिक लोग शामिल हुए। वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है ये कोरोना रिलीफ टीम है हमारी, ये बहुत इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम है टीकाकरण का, जो प्रशासन के सहयोग से हुआ है, ये आज हमने सोचे नहीं थे कि इतनी तादाद में लोग आ जाएंगे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह 400 लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन लगवा चुका है और हमको ऐसा लग रहा है कि लगभग 800 लोग आज वैक्सीनेशन लगा लेंगे। आगे और भी कैंप लगाया जाएगा?
हाँ, ये एक्चुअल में ये अभी फ़िलहाल में दूसरा कैंप है। पहला अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने लगाई थी, ये पिछले रमज़ान महीने के पहले लगाए थे, लेकिन उसका उतना अच्छा रिज़ल्ट मिला नहीं। लोगों के अंदर बहुत डर का और भय का माहौल था। तो आज हमारे मुस्लिम समाज के जो युवा है, जिन्होंने कोरोना के समय में भी बहुत अपना योगदान दिया, और उसी बैनर पे आज कोरोना रिलीफ टीम ने ये कैंप लगाई है, और आगे भी इंशाल्लाह ये कैंप लगते रहेंगे। और मैं सभी आवाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और वैक्सीनेशन करवाएँ। अधिवक्ताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आज आंदोलन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। बताया गया कि क्षेत्र के परसाटोला भंडेरी निवासी धनंजय चौधरी के द्वारा सोशल मीडिया पर वकीलों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिसे लेकर बैहर के वकीलों ने सबसे पहले थाने में FIR दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी को लेकर अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में प्रतिकार दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि बैहर में करीब 60 अधिवक्ता है जो इस टिप्पणी से आहत हुए हैं।